क्या आपने कभी नोटिस किया है बस में सीट बेल्ट क्यों नहीं होते, जबकि कार में तो सीट बेल्ट होती है और उनको लगाना कंपलसरी भी होता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ बस में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है। दरअसल सीट बेल्ट एक तरह की सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि हाई स्पीड से चलती हुई गाड़ी की एक्सीडेंट के केस में पैसेंजर्स की जान बचाती है। बस का सीटिंग लेआउट कंपार्टमेंट स्टाइल का होता है। इसमें पैसेंजर छोटे छोटे कंपार्टमेंट में इस तरीके से बैठे हुए होते हैं जिस तरीके से अंडे अंडे के ट्रे में रखे हुए होते हैं। इसलिए एक्सीडेंट के केस में पैसेंजर्स की जो मूवमेंट होती है वो दो सीट के बीच के छोटे से कंपार्टमेंट में होती है और वो सेफ रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है बस का स्ट्रक्चर, क्योंकि बसेस कार से ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसमें पैसेंजर्स काफी हाइट पर बैठे हुए होते हैं। तो एक्सीडेंट के केस में लगभग सारा इम्पैक्ट बस से नीचे वाला स्ट्रक्चर ले जाता है और पैसेंजर्स तक काफी कम लोड ट्रांसफर होता है और वो बिना सीट बेल्ट के ही सेफ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में एक्सीडेंट खराब रोड की वजह से ही होता है या फिर रूल फॉलो नहीं करने की वजह से होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।